डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, चैप्टर सेवन, एक्सरसाइज 44। तो इससे पहले का जितने भी एक्सरसाइज है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और इसमें क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई इतना बाय 9। सबसे पहले इसको जो है 9 से मल्टीप्लाई कर लेना है। राइट डाउन द प्रोडक्ट व्हेन इतना इज मल्टीप्लाइड बाय। तो इससे जब मल्टीप्लाई हम 9 से कर लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा उसको फिर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको देखते हुए बिना मल्टीप्लाई किए हम इसका आंसर भी इसको लिख सकते हैं तो लिखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या होगा, 8.932 और यहाँ पे हो गया 9, तो यहाँ पे 9 2 18 हो गया, 1 बचा हुआ है, 9 3 27 और 1 28 हो गया, अब 2 बचा हुआ है, 9 9 81 और 2 82 83, तो 83 हो गया, अब 8 बचा हुआ है, 9 8 72 72 और 8 तो हो जाएगा 80, तो यहाँ पे 80 लिख लेते हैं, 80 तो यहाँ पे पॉइंट है, मतलब 3 डिजिट के बाद 1 2 3, ये यहाँ पे पॉइंट हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किए तो ये आंसर आ गया। तो इसको अगर हम इसको अगर हम 90 से मल्टीप्लाई करें, ए नंबर में, यहाँ पे ध्यान देना है, ए नंबर में दिया हुआ है 90, अगर हम इसको 90 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर होगा, 8.932 ये हो गया। तो इसका यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ 9 था जो फर्स्ट में, जो हम मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 9 था, अब 9 के बाद एक जीरो है तो 90 है, तो यहाँ पे आंसर यही आएगा, लेकिन क्या होगा कि एक पॉइंट जो है इधर चला जाएगा, क्योंकि एक जीरो इसमें है, तो इसमें एक जीरो, एक पॉइंट जो है एक बार यहाँ पे सरकेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 803.88, एक बार पॉइंट इधर आ गया। उसी तरह से बी नंबर में, यहाँ बी नंबर दिया हुआ है और इसमें क्या किया है, 9 के बाद 2 0, 900 दे दिया है, और फिर इसी को मल्टीप्लाई करना है 8.932, ये जो नंबर दिया हुआ है इसको, इसमें क्या होगा, अभी एक बार पॉइंट को हम लोग इधर ले गए थे, यहाँ पे इसका आंसर जो है यहाँ ये आंसर है, तो इसको पॉइंट को हम लोग एक बार ले गए थे, अब क्या करना है, 2 0 है तो इसका आंसर को जो है पॉइंट दो बार ले जाएंगे, तो 1 2 यहाँ चला जाएगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8.08, ये आंसर हो जाएगा, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। और उसी तरह से सी नंबर, सी नंबर में क्या दिया हुआ है, 9 वहाँ था फर्स्ट में, अब क्या है कि 9 के इधर जो है पॉइंट कर दिया, 0.9 कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.932, ये हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अब क्या था, अभी तो 9 में था तो यहाँ पे पॉइंट आ रहा था, अब पॉइंट जो है 9 से इधर 0.9 कर दिया, तो अब इधर सरक रहा था जब 0 था, अब 0 नहीं है, पॉइंट में है, क्या होगा, ये पॉइंट इधर एक बार सरकेगा, तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा 8.0388, ये हो गया, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह से डी नंबर में दिया हुआ, डी नंबर में क्या दिया हुआ है, 0.09, इस बार जो है पॉइंट को दो बार इधर कर दिया है, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 8.932, तो इसमें क्या हो जाएगा, फिर उसी तरह से आंसर आएगा, फर्स्ट में जब 9 था तो यहाँ था, पॉइंट में गया तो यहाँ पे बिल्कुल यहाँ आ गया, एक नंबर जो है इधर है, 8 है, अब क्या होगा कि दो बार यहाँ पॉइंट इधर हुआ है तो एक बार और इधर हो जाएगा, इसका मतलब है कि 0.8088, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना ही आएगा। तो इसको इस तरह से दिया गया है कि आप बिना मल्टीप्लाई किए ही इसका आंसर ला सकें, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ, इसको सभी को मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, देख रहे हैं मल्टीप्लाई का साइन दिया हुआ है, यहाँ 3 नंबर है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो सबसे पहले 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 4, इसको 34 लिख लेते हैं, इसको 1 2 12 लिख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 जा 8 हो गया, और यहाँ पे 3 2 जा 6, और यहाँ एक क्रॉस लगाएंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही रहेगा, 4 3, ये कितना हो गया, 8
और यहाँ 10 हो गया 0, ये हो गया 4। तो कहाँ है पॉइंट, यहाँ है और यहाँ है, दो डिजिट के बाद 1 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ क्या करना है, ये दो ख़त्म हो गया, अब इसको लेना है, तो इससे करेंगे 4 0 8 लिख लेते हैं और यहाँ पे 29 लिखते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पे 9 8 जा 72, तो 2 हो गया, 7 बच गया, यहाँ पे 0 हो गया तो ये 7 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 9 4 जा 36 हो गया 36, और यहाँ पे एक क्रॉस लगेगा, 8 2 जा 16, 1 बचा हुआ है तो यहाँ तो 0 हो रहा है तो वही 1 यहाँ पे आ जाएगा, और 8 4 2 जा 8 ये हो गया। अब इसको ऐड कर देते हैं 2, यहाँ पे 13 हो गया तो 13 1 1 बच गया, 3 हो गया, और यहाँ पे 7 और 1 8 हो गया, और यहाँ पे 8 3 11 ये हो गया। तो पॉइंट कहाँ पे है, पॉइंट यहाँ है और पॉइंट यहाँ है, मतलब यहाँ 2 और 1 3 1 2 3 यहाँ पे रखेंगे और ए नंबर के आंसर ये हो जाएगा, ये हो गया। इसमें बी नंबर भी दिया हुआ है तो यहाँ पे है, इसको सबसे पहले करते हैं 15, ये हो गया, इसको लेते हैं 203, यहाँ पे मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो 6 3 जा 18 हो गया, 1 बचा हुआ है, 5 3 जा 15 और 1 16, 6 1 बचा हुआ है, 3 1 जा 3 और 1 4 हो गया। अब यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, सब 0 हो जाएगा, 1 2 3 ये हो गया, फिर डबल क्रॉस लेंगे और यहाँ पे 6 2 जा 12, तो 12 1 बच गया है, 5 2 जा 10 और 1 11 1 बचा हुआ है, 2 1 जा 2 और 1 3 हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 8 6 4 2 6 और यहाँ पे 1 3। पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है यहाँ और पॉइंट है यहाँ, मतलब 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे हो गया। अब ये हो गया, अब इसको करना होगा, ये काफ़ी लंबा जाएगा तो इसको यहाँ पे करते हैं, तो 3 1 6 6 8 और यहाँ पे 1 1 1 है, इसीलिए ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं करेगा, एक बार सिर्फ इसको करते हैं, 8 2 जा 16 हो गया, 1 बच गया, और 6 2 जा 12 12 और 1 13 हो गया, 13 फिर 1 बचा हुआ है, 6 2 जा 12 और 1 13 3 अभी भी 1 बचा हुआ है, 2 1 जा 2 हो गया और 1 3 हो गया, 3 2 जा 6। अब 1 से जाएगा एक क्रॉस लगाएंगे और सारा इसी को लिख देंगे 8 6 6 1 3 ये हो गया, और फिर दो क्रॉस लगाएंगे फिर 8 6 6 1 3 अब इसको करेंगे प्लस 6 हो गया 8 3 11 1 हो गया, 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे 8 और 6 14 हो गया, 15 16 17 और 1 18 हो गया, अभी भी 1 बचा हुआ है, 12 13 14 15 हो गया, 15 और 1 16 अभी भी 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे 12 13 और 1 14 हो गया और 1 बचा हुआ है तो यहाँ पे 4 और 1 5 और ये 3। तो पॉइंट कहाँ है, पॉइंट है यहाँ और इसमें पॉइंट है यहाँ, कितना हो गया 2 और 3 5 हो गया, 1 2 3 4 5 तो यहाँ पे आ जाएगा 35.46816। तो ये आंसर हो जाएगा 15 का बी, 15 नहीं 17 है, 17 का बी। तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 17।